इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वेयर जफर याब जिलानी की बुलाई गई बैठक पर इकबाल अंसारी से साफ कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, हमने कोर्ट का सम्मान किया, हम कोर्ट का फैसला भी मानेंगे और पूरे देश में अमन और शांति बनी हुई है। वहीं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बुलाया गया लेकिन हम नहीं गए और नहीं जाएंगे और हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वहीं कमेटी में 5 पक्षकार हैं, मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मैं वहाँ नहीं गया। कोर्ट ने जो फैसला किया है सभी उसको मान लें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि देश में अशांति हो। मैं जिम्मेदार हूँ, देश में अमन और शांति का संदेश देता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हमने कोर्ट का सम्मान किया, हम कोर्ट का फैसला भी माने, जो भी रहा उसको जो है पूरा देश अमन और शांति के साथ गुजर गया। आज जो है 8-9 दिन हो रहा है, अमन और शांति है। हमारे यहाँ जो है बोर्ड की मीटिंग है, हम नहीं गए, हम स्वतंत्र हैं। हम इससे पहले भी कहा जो है, हम कह चुके हैं कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो फिर जो है हम कह चुके हैं तुम नहीं जाएंगे। अभी बोर्ड के लोग हैं, तमाम पक्षकार हैं, और कौन पक्षकार क्या करता है उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने आप का पक्षकार हूँ, हम जो है अमन और शांति का पैगाम देता रहता हूँ, आज भी दे रहा हूँ, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है उस बैठक में अमन और शांति का पैगाम नहीं दिया जाएगा? देखिए ऐसा वो लोग क्या करते हैं, इसकी हमने ये भी कहा कि वो लोग क्या करते हैं, क्या क्या रणनीति बनाते हैं, इसकी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई जरूरी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी वो तो ये कह दें उन्होंने कुछ कहा है। मीटिंग बुलाई गई है, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते इसको मैं नहीं जानता।